नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के मैथमेटिक्स का TMS सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का, यानी जिनवी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 में होने वाला है उनके लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको सॉल्व मिलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। TMA कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और TMA कितने मार्क्स का है, TMA से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, TMA जो है A4 साइज की शीट पर, प्रैक्टिकल शीट पर बनाना है आपको। और TMA ऑनलाइन सबमिट करना है आपको अपने डैशबोर्ड पर स्टूडेंट लॉगिन करके। TMA जो है मैथ्स का TMA 70 मार्क्स का है, ठीक, जो कि थ्योरी एग्जाम के 20% होता है। आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के पास होना होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका हमने ए पार्ट करा है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेकेंड पार्ट में बोला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल If not, give an example of the square root of a number that is rational number. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है कि जितने भी square root होते हैं positive integer के, वो irrational होते हैं। अगर नहीं तो आपको example देना है, ठीक। सबसे पहले हम first part करेंगे यहाँ पे। तो first part का solution आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 2 marks का question है, यानी 1 marks का पहला part और अगला part भी जो है वो 1 marks का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाता है आंसर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, वी मल्टीप्लाई 6 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने जो है 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितने भी हमें नंबर स्क्वायर, जितने भी नंबर हमें बोले जाते हैं कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, उससे एक नंबर ज़्यादा लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें 5 बोले गए थे तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 2 नंबर हमारे सामने आ जाते हैं, 18/30 और 24/30। अब जो हम इजीली इन दोनों के बीच में 5 इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो वो 5 इरेशनल नंबर कौन से होंगे, सॉरी रेशनल नंबर कौन से होंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, देयर आर पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर रूट्स आर रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 विच इज अ रेशनल नंबर, सिमिलरली द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 विच इज नॉट अ रेशनल, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, सॉरी। इन जनरल ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर रूट इज एन इंटीजर विल बी रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा आंसर आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, आपको सारे आंसर जो है ब्लू पेन से लिखना है और क्वेश्चन जो है आप ब्लैक पेन से नोट डाउन करोगे, ठीक है। और ब्लैंक साइड जो होती है उस साइड आपको डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, डायग्राम्स अभी आएंगे आपके। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी हमें एक क्वेश्चन करना था, ए पार्ट हमने इसका करा है। ए पार्ट में भी इसमें भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना आपको 5m-3/4 प्लस में 3m-2/5 इक्वल्स टू m+6/7। और सेकंड पार्ट में बोला था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 82, अगर 2 नंबर को हम जोड़ते हैं तो 82 आता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1456। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इतना आ जाता है, हमें वो दोनों नंबर बताने कौन से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करा, 4 और 5 का LCM लिया, तो LCM आ गया हमारा 20, ठीक। और ऊपर से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5m को मल्टीप्लाई करा 25m है, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 15 आ गया। सेम ऐसे ही हमने 4 को मल्टीप्लाई करा 3m से तो 12m आ गया, 4 से हमने 2 को -2 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा -8 आ गया। इधर की इक्वेशन हमारी सेम एज इट इज उतर जाएगी, क्योंकि इधर कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करा हमने और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक।
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा जब हमने 7 से 37 को मल्टीप्लाई करा 259 आया, 7 से 23 को करा तो 161 आया। सेम यहाँ पे हमने 20 को एम से करा तो 20m आ गया, 20 से 6 को करा तो 120m आ गया। अब हम m वाली इक्वेशन को एक तरफ कर देंगे और विदाउट m वाली को एक तरफ, तो यहाँ पे ये प्लस का था, इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 259m माइनस 20m, और यहाँ पे 161 था माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का, तो 120 प्लस 161 तो ये हो गया 281 और इधर आ गया 239m। ठीक, आगे हो जाता है m की वैल्यू आ जाती है 281 अपॉन में 239, ये हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से हमने बोला लेट टू नंबर्स बी x एंड y, तो x और y हमने दो नंबर मान लिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस y कितना है हमारा 82 है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 माइनस x। फिर हमें बोला था x और y को मल्टीप्लाई करते तो 1456 आ जाता है, तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू जो थी हमने यहाँ से चेंज कर दी, जो हमें यहाँ पे दे रखी थी, जो हमने निकाली है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 82 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम x को 82 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 82x बन जाता है, और x से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब इस पूरी इक्वेशन को हम जो है इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 82x प्लस 1456। ठीक, इसके बाद हमने इसको फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 56x प्लस 1456। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज करा तो x माइनस 26 और x माइनस 56 आ जाता है, जिससे हमारी x की वैल्यू 26 और एक दूसरी कौन सी आ जाती है 56, तो यहाँ से हमारे दोनों नंबर आ जाते हैं, एक नंबर हमारा 26 है, दूसरा नंबर हमारा क्या है 56। ठीक, दोनों नंबर हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी हमें एक क्वेश्चन करना है, ए पार्ट हमने इसका करा है। बोला है इन फिगर 1 लाइंस x y and mn intersect at O, कि x और y और mn एक दूसरे को O पर काटती है, अगर एंगल POY जो है 90 डिग्री है और A रेशो B 2:3 है तो C को निकालो। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होगी और उसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने मान लिया कि A कितना हमारा 2x और B कितना हमारा 3x, तो XOM MOY और POY इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स ओ एम हमारा ए था, एम ओ पी हमारा बी था, और पी ओ वाई हमारा पी ओ वाई रहेगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यू डालनी स्टार्ट करी, तो 2x ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू 3x थी, और पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री का था, तो 180 डिग्री में से 90 गया तो 90 डिग्री बचता है, और 2x और 3x मिल के 5x बन जाता है। अब 5 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू जो है 18 आ जाती है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू हमारी 36 और बी की वैल्यू हमारी 54 आ जाती है। ठीक है, अब एक्स ओ एम हमारा 54 डिग्री है, एक्स ओ एम प्लस एक्स ओ एन इक्वल्स टू 180 डिग्री, एम एन स्ट्रेट लाइन, तो 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54, तो यहाँ से 126 डिग्री जो है सी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 टू 150 वर्ड्स, इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है। क्या बोला है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 180 डिग्री, अगर एक एंगल 80 डिग्री का है तो सारे एंगल निकालो। इन अ रेक्टेंगल वन डायगोनल इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ इट्स साइड्स एट 25 डिग्री, मेजर द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स। ठीक है, तो अब यहां से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो बोल रखा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो पूरा ये जो हमारा पैरेललोग्राम है वो 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली, ए और सी बराबर होंगे दोनों 80 डिग्री के। ठीक, क्यों होंगे दोनों 80 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल बराबर है इसलिए दोनों ए और सी दोनों 80 डिग्री के हो गए। अब यहाँ से इक्वेशन बनती है हमारी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बी और डी भी बराबर होंगे, है ना, कि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है,
सॉरी अपोजिट्स एंगल बराबर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 80 डिग्री प्लस बी एंगल बी प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 80 प्लस 80 हमारा 160 डिग्री हो जाता है, और हम भी हमने ऊपर प्रूव किया कि एंगल बी और एंगल डी बराबर है, तो मैं एंगल डी की जगह भी एंगल बी लिख सकता हूँ। तो एंगल बी और एंगल बी टू एंगल बी बन जाएंगे, और ये 160 इधर प्लस का था, इस साइड भेज दी तो माइनस का आ गया, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा 200। 200 इक्वल्स टू 2b। अब इस 2b से मैंने 200 को डिवाइड कर दिया, तो हमारा b आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारे b एंगल b और एंगल d कितने हो गए 100 डिग्री के हो गए। नाउ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर फाउंड विच आर एंगल a इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल b इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल c इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल d इक्वल्स टू 100 डिग्री। आगे हमें बोल रखा था डायगोनल्स जो काट रहे हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल वन जो था हमारा 25 डिग्री का, तो हमें एंगल टू एंगल थ्री ये निकालने हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा आपको। ठीक है, अब देखो यू नो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें पता है रेक्टेंगल के डायगोनल जो है बराबर होते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, तो ए सी और बी डी बराबर हुए। ए सी बी डी यहाँ पे ए बी ए सी बी डी डिवाइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू ए सी एंड बी डी। ठीक है, यहाँ पे एंड लगेगा। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल है सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है ओ, तो ओ ए और ओ बी भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो एंगल टू और एंगल वन बराबर हो गए 25 डिग्री के। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसके बाद वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करते हैं तो ये वाला एंगल हमारा आ जाता है, जिसे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगाई एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल वन, तो यहाँ से एंगल थ्री हमारा कितना निकल आता है 50 डिग्री। हेंस द एक्यूट एंगल बिटवीन टू डायगोनल बिटवीन द डायगोनल्स इज 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हमारा आंसर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका भी हमने ए पार्ट करा हुआ है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट जो बनाई जाती है, ठीक है, किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पे वो क्या होंगी पैरेलल होंगी। उसके बाद क्या बोला, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल हैं, ठीक है, जिनके सेंटर सेमी कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर वाले, जिसका रेडियस एक का 5 है और एक का 3 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला हुआ है कि वो कॉर्ड बतानी है जो छोटे वाले की क्या छोटे वाले सर्कल को टच करती हो, ठीक है, उस कॉर्ड की लेंथ बतानी। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर स्टार्ट होता है, फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी, और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आपने एनसीईआरटी की मैथ सॉल्व कर ली है 9th और 10th क्लास की, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो 8th 9th 10th की अगर आप एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाली फिगर आ जाती है, ये आपको बना लेनी है, और सर्कल जो है आपको कंपास का यूज़ करके ही बनाना है ताकि अच्छे से फिगर बने। ठीक है, स्केल और कंपास का यूज़ करिएगा डायग्राम बनाते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट गिवन बिलो। तो हमने इसका ए पार्ट करा हुआ है, ए पार्ट में आपको बोला हुआ है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो आपको डाटा दिया गया है इससे आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। और बी पार्ट में क्या बोला हुआ है इसके कि आपको 30 स्टूडेंट का डाटा दिया गया है नीचे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ठीक, और पूछा गया कौन सा वाला जो है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और कौन सा वाला कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे आपको
फर्स्ट पार्ट का आंसर दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ है ये आपको बना लेना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको आराम से दिख सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बना लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट जो है, तो ये आपका टेबल बनेगा। टेबल के बाद आपसे बोला गया था कि कौन सा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, तो जो भी का सबसे कम ब्लड ग्रुप, कम स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप होगा वो रेयरेस्ट होगा, और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो मोस्ट कॉमन है, और मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, जिसमें 3 दिया गया है। ठीक है, ये रेयरेस्ट आ गया आपका, और ये ओ पॉजिटिव जो है ओ ये कॉमन है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करना, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। और सब्जेक्ट के टीएमए का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप देख के बना सकते हैं अपने हर सब्जेक्ट के टीएमए।